2020 और 2021 में कोरोना जो वैश्विक महामारी थी उसमें कहाँ थी ऑनलाइन कंपनियाँ, किस माध्यम से ऑनलाइन कंपनियों ने देश को, देश के लोगों को सेवाएं प्रदान की। व्यापारियों ने मासिक किराए पर या फिर अच्छी खासी रकम लगाकर उन दुकानों को खरीदा है और वो अपना, अपने परिवार का तो भरण पोषण करते ही हैं उन दुकानों के माध्यम से, परंतु उनके यहाँ दुकान के व्यवस्था के अनुसार, बिक्री के अनुसार दो कर्मचारी से लेकर के 25-30-50 कर्मचारी तक भी रहते हैं, तो उस दुकान के माध्यम से वो 10-20-25-50 कर्मचारियों के भी परिवार का भरण पोषण होता है। आज अगर आप घर पर कोई मेहमान आ गया है और आपको अगर रसगुल्ला चाहिए तो आपको बगल वाला होटल से लेके आना पड़ेगा, आप ऑनलाइन रसगुल्ला मंगा करके रिश्तेदार को नहीं खिला सकते हैं। अभी ऑनलाइन में हम लोग कंप्यूटर में देख करके, मोबाइल में देख करके मंगा रहे हैं, और जब बाज़ार में जाते हैं तो कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा को फील कर करके देखते हैं, समझते हैं, हम देख रहे हैं कि हम किससे ले रहे हैं। वहाँ पर देने से वो पैसा, भारत का पैसा, जमशेदपुर का पैसा जमशेदपुर में रह रहा है, झारखंड का पैसा झारखंड में रह रहा है, और उससे यहाँ के डेवलपमेंट में काम हो रहा है। मान लीजिए कि दीपावली में दिया खरीदें, दिया के लिए फिर तेल खरीदें, फिर रुई की बत्ती खरीदें, अगर हम तीन अलग अलग लोगों से खरीदते हैं, तेल अलग लोग से खरीदेंगे, बत्ती अलग लोग से और दिया अलग से, तीन परिवार को हम एक, उनको भी, उनके, उनका घर में भी दीपावली बनाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम लोग के बाल्यकाल में हम लोग बाजार, एक सपना रहता था कि दुर्गा पूजा में हम लोगों को ये सामान मिलेगा अपने पेरेंट्स की तरफ से, दीपावली में हम लोगों को फटाका लाना, दीपावली में वो घर तैयार किया जाता था, उस वक्त पर्व त्यौहार का एक अलग आनंद हुआ करता था जो प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है, और आज का आनंद का परिभाषा दूसरा हो गया है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। दीपावली का मौका है और जिस तरीके के बाजारों में उत्साह दिखना चाहिए नहीं दिख रहा है, आप खुद भी फील करें। ऑनलाइन की मार्केट और मंदी का दौर जो चल रहा है, खासकर जो दिवाली के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका हाल कभी बाजारों में निकल कर देखिए, कोई दिए बना रहा है, कोई खिलौने लेकर बैठा है, लेकिन इस दिवाली किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है आप जब बाज़ार में निकलेंगे तो पता चलेगा। और दूसरी तरफ जो है ऑनलाइन मार्केट, हर कुछ आजकल दिए भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करा लेते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आकर ज्ञान देते हैं और फोटो चिपकाते हैं, इस दिवाली उन गरीबों का भी होना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है यहाँ पर एक कंपेन पहले ही चलाया था, लोगों से अपील किया था कि इस दिवाली कम से कम आप बाजारों में निकलिए, जो आपके लोकल दुकानदार है उनसे खरीदारी करिए। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा और क्यों हमें ज़रूरी है कि अपने आस पास के बाज़ारों में एक ग्राहक के तौर पर निकलने के लिए, इससे कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे साथ बात करेंगे चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं विजय मुनका जी, उनसे भी हम समझेंगे, इसलिए कि बाजार से ज़्यादा आज इंसानियत और उन तमाम लोगों का ख्याल रखने की बात है जो हमारे और आपके ऊपर निर्भर है। बाज़ार, मुनाफा और तमाम चीज़ें तो चलती रहेगी। सर, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं, दिवाली क्या महत्व है केवल बाज़ार के नज़र से देखें, क्या सब कुछ ऑफर बाज़ार ऑनलाइन तक ही सीमित है या हमें और लोगों का भी ख्याल करना चाहिए? और ये ऑनलाइन के बारे में जब आप बात करते हैं तो लोग सीधे कहते हैं कि भाई आप तो अपना फ़ायदा देखते हैं लेकिन हमें तो ऑनलाइन में, किस तरीके से आप समझाएंगे जो हम समझाने और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही क्या नज़रिया? देखिए, सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दुर्गा पूजा के पहले, चूँकि जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है, यहाँ पे दुर्गा पूजा में विभिन्न कंपनियों का बोनस होता है, और दुर्गा पूजा के पहले से दीपावली तक यहाँ पर बम्पर शॉपिंग यहाँ के लोग करते हैं, तो हम लोगों ने उसी समय इस एक कैंपेन चलाया था, वोकल फॉर लोकल, चलो चलें बाजार। ऑनलाइन आज एक ऐसा थ्रेट हो गया है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी उसके ऊपर आकर्षित है। हम लोग चैम्बर के तरफ से बराबर इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि जो हम लोगों की दुकानें हैं, व्यापारियों का व्यापार है जो तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी से चलते आ रहा है, व्यापारियों ने मासिक किराए पर या फिर अच्छी खासी रकम लगाकर उन दुकानों को ख़रीदा है और वो अपना, अपने परिवार का तो भरण पोषण करते ही हैं उन दुकानों के माध्यम से, परंतु उनके यहाँ दुकान के व्यवस्था के अनुसार, बिक्री के अनुसार दो कर्मचारी से लेकर के 25-30-50 कर्मचारी तक भी रहते हैं, तो उस दुकान के माध्यम से वो 10-20-25-50 कर्मचारियों के भी परिवार का भरण पोषण होता है, और उस दुकानों से माल जाता है, मान लीजिए ऑटो में जाता है तो ऑटो वाले के परिवार का होता है, रिक्शा में जाता है तो रिक्शा वाले के परिवार का होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये दुकानें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया कराती है।
जो लोकल की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है हम लोग उससे इनकार नहीं कर सकते। हम लोग बहुत पुरानी बातें नहीं है, 2020 और 2021 में कोरोना जो वैश्विक महामारी थी उसमें कहाँ थी ऑनलाइन कंपनियाँ, किस माध्यम से ऑनलाइन कंपनियों ने देश को, देश के लोगों को सेवाएं प्रदान की। दुकानें बंद थी, फुल लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, उद्योग बंद थे, सब लोग अपने घर पे थे, परंतु उसमें से अधिकांश लोग ईश्वर के प्रतिनिधि बन करके विभिन्न जन सेवाओं में लगे हुए थे, चाहे वो पुलिस के लिए जनसेवा कर रहे हों, चाहे उन बस्तियों में जाकर के दोनों टाइम निशुल्क भोजन करा रहे हों जहां पर दैनिक लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, क्योंकि सारा काम बंद है, वो मजदूरी जो सुबह खट के आते शाम को उनका चूल्हा इसीलिए बंद है कि 300 रुपया वो डेली कमाएंगे। उन बस्तियों में चाहे वो पटमदा की बस्ती हो, चाहे वो पार्डी की बस्ती हो, चाहे हररगुट्टू की घाघी जेल की बस्ती हो, व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधि उन स्थानों पर जाकर के दोनों टाइम का भोजन उपलब्ध करा रहे थे। अभी एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हैं उज्जवल पाटनी जी, उनका एक वीडियो बहुत जोर वायरल हो रहा है जिसमें एक पोता अपने दादा को कहता है कि आप क्या सब्जी लाने के लिए, राशन लाने के लिए, कपड़ा लाने के लिए डेली सुबह 10 बजे नाश्ता करने के बाद थैला लेके बाजार चले जाते हैं और 12:30-1 बजे तक आते हैं। वो पोता बाहर पड़ता था और वो आया हुआ था और उसी दरमियान एक फ़ोन आता है कि उस पोते की दादी का एक्सीडेंट हो गया है। जब दादा और पोता हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनके पहुंचने के पहले ही वो सब्जी वाला, वो राशन वाला, वो दवाई दुकान वाला उस दादी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है और डॉक्टर ने ये कहा कि अगर इनको लाने में देरी हो चुकी होती तो इनकी जान चली जाती। तब वो दादाजी अपने पोते को लोकल ख़रीदारी का महत्व बताते हैं कि अगर तुम ऑनलाइन ख़रीदारी करते आज ये दवाई दुकान वाले, आज ये सब्जी वाले, एक पारिवारिक माहौल जैसा बन गया, वो पहचानते थे कि ये मिसेज ये हैं ये हमारी कस्टमर, उन्होंने उनको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाया। तो देखिए लोकल की जो बात है वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये निश्चित तौर पर आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा के रूप में ऑनलाइन मार्केट टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ये बढ़ रहा है और ये तेज़ी से बढ़ेगा भी। हम लोगों को भी बहुत से दिशाओं में अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, परंतु स्थानीयता को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आज अगर आप घर पे कोई मेहमान आ गया है और आपको अगर रसगुल्ला चाहिए तो आपको बगल वाला होटल से लेके आना पड़ेगा, आप ऑनलाइन रसगुल्ला मंगा करके रिश्तेदार को नहीं खिला सकते हैं। तो और ये लोकल में ये सुविधा है कि आप फोन कर देते हैं कि भैया मेरे यहाँ गेस्ट आया, थोड़ा ये भिजवा दो, तुरंत आ जाता है। वो भरोसा है और टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, चाहे वो दुकान का मामला हो, चाहे वो जिस दुकान से हम किराना खरीदते हैं उस दुकान का मामला हो, जिस जो लोग सब्जी वाले से बराबर सब्जी लेते उसको भी फोन कर देते कि भैया ये पैक करके रखो, मैं आ रहा हूँ पिकअप कर लूँगा। यही स्थिति सभी बाजारों के साथ है, टेलर्स के मामले में है, कपड़े के मामले में है। आज भी जो लोग लोकल ख़रीदारी में विश्वास रखते हैं उसका एक अलग पारिवारिक माहौल है, एक आत्मीयता का रिश्ता है। मैं आपको इस बात को मैं बैंक से रिलेट करके बताता हूँ। नेशनलाइज बैंक्स में जो भी पुराने ब्रांचेज हैं और जो पुराने लोग कारोबार कर रहे हैं उनके परिवार के बारे में हम लोगों को पता है और हमारे परिवार के बारे में उन लोगों को पता। मैं अपने बात बताऊं तो मैं साल में 3-4 बार से अधिक बैंक नहीं जाता हूं, लेकिन हमारा जहां बैंक है वहां के इम्प्लॉयज़ जो पुराने उनको मालूम है कि मेरे कितने बच्चे हैं और वो कौन क्लास में पढ़ते हैं, और मुझे मालूम है कि फलाना झाजी का कितना बच्चा और झाजी का बच्चा कहाँ है अभी। वो एक आत्मीयता का रिलेशन है। आप कितना ये भी नेट बैंकिंग कर लीजिए, परंतु जो आत्मीयता का रिलेशन डेवलप होता है, देखिए हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि मनी मैटर्स बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। बात मैं कह रहा हूँ कि दीवार ठीक है, बिजनेस तो अपने सही जगह है, ऑफर सही जगह है, हालांकि ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में भी लोग ठगे जा रहे हैं। हमें तो देख रहा है कि ऑनलाइन क्या करता है कि 10 मोबाइल बेच दिया कि 50% ऑफर, इसके बाद आउट ऑफ स्टॉक, तो उसमें क्या होगा, लोकल का मार्केट ख़राब हुआ। अब लोग लेकर आते हैं कि भैया देखिए वो तो इतना ऑफर दे रहा है, हालांकि वो सामान 10 ही मोबाइल बेच रहा है, लेकिन मार्केट जो है जो उनको ख़राब कर दिया, लोगों के दिमाग में डाल दिया कि वहाँ तो 50% ऑफर में सस्ते में चल रहा है। ये भी इस तरह की भी चीटिंग हो रही है, खासकर फेस्टिवल के समय कि फेस्टिवल ऑफर है हम 50% ऑफ देंगे, वो 10 ही पूरे भारत में लेकिन बेचे, लेकिन लोगों का दिमाग में ये बैठ गया कि भैया यहाँ पर तो ये हो रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो लोकल दुकानदार हैं, ब्रांड हैं, उनका
कहीं ना कहीं मार्केट खराब कर दी, इस तरह की भी साजिश चल रही बिल्कुल है। और जो समझदार ग्राहक हैं, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और कपड़े के मामले में, तो वो सजग हैं और स्थानीयता को प्रमुखता दे रहे हैं। और हम लोगों का चैम्बर के माध्यम से भी ये प्रयास है, हम लोगों ने जैसे अभी एक जैसे चैम्बर में 3 दिन का दीपावली ट्रेड फेयर चल रहा है, उसमें हम लोगों ने दिए वाले को प्रमुखता से स्थान दिया है कि वो दिया बेचे, अपना जो स्थानीय कुम्हार जो हैं वो दिया जो बनाते हैं खुद, वो उनको हम लोगों ने निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया है कि वो अपना वहाँ दिए बेचें, उसके साथ वो गुजरी, गुल्लक, जो पूजा में हाथी घोड़ा लगता, गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति जो कि पूजा के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता होती, उस तरह की तमाम चीज़ें चैम्बर के 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में। एक हम लोगों ने वहाँ पर एक फोटो पॉइंट बनाया है कि लोग जो जाएँ वहाँ पर वो अपना फ़ोटो लें और उसको अपने सोशल मीडिया में अपलोड करें, अपने पारिवारिक में, कि उसमें फ़ोटो पॉइंट में लिखा हुआ ही है वोकल फॉर लोकल, चलो चलें बाजार। हम लोगों का ये प्रयास है कि चलो चलें बाजार, आप परिवार के साथ बाजार जाएँ, बाजार देखें, जाँचें, परखें और अपनी पसंद की दुकानों से देख करके लें। अभी ऑनलाइन में हम लोग कंप्यूटर में देख करके, मोबाइल में देख करके मंगा रहे हैं, और जब बाजार में जाते तो कपड़ा लेते तो कपड़ा वो फील कर करके देखते हैं, समझते हैं, हम देख रहे हैं कि हम किससे ले रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में हम ये नहीं देखते कि हम किससे आ रहा है, वो अमेजोन से आ रहा है, फ्लिपकार्ट से आ रहा है, इससे आ रहा है, उससे आ रहा है, ये नहीं, ये उससे आ रहा, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि हम फलानी दुकान से ले रहे हैं, हम इस दुकान से ले रहे हैं, उससे एक दुकान से एक दुकानदार का रिश्ता कायम है, और वहाँ पर देने से वो पैसा भारत का पैसा, जमशेदपुर का पैसा जमशेदपुर में रह रहा है, झारखंड का पैसा झारखंड में रह रहा है, और उससे यहाँ के डेवलपमेंट में काम हो रहा है, और वो जो ऑनलाइन परचेज हो रहा है उसका पैसा कहाँ जा रहा है, उससे सीमित लोगों का विकास हो रहा है। हम लोग ये नहीं चाहते कि जो धनाढ्य हैं वो लोग और धनाढ्य होते जा रहे हैं, और जो नीचे के व्यापारी, ऐसे ही अगर जमशेदपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हम बहुत चिंतित हैं कि जमशेदपुर का युवा वर्ग, जो अपकमिंग जनरेशन है, मेरे को लगता है कि माय ग्रैंडफादर वाज बॉर्न इन जमशेदपुर, मेरे दादाजी का जन्म यहाँ का था, और मैं अपने जनरेशन का 4th पीढ़ी हूँ जो यहाँ पर व्यापार कर रहा हूँ, मैं इस बात को लेकर के आशंकित हूँ कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन, मेरा बेटा यहाँ पर व्यापार करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन की अनुपलब्धता के चलते, एयरपोर्ट की अनुपलब्धता के चलते शहर में चहुमुखी विकास नहीं है, चंद बड़ी कंपनियां हैं, रोजगार की अपॉर्चुनिटी कम है, तो ये एक बड़ी चुनौती जमशेदपुर के वासियों के साथ है कि कैसे हम अपने बिजनेस को सस्टेन करें और आने वाला 20 साल बाद क्या होगा। सही बात, हम जॉब कल्चर बढ़ते जा रहा है, जो बिजनेस कम्युनिटी हमारी है, हमारे मैं हमेशा चैम्बर के कार्यक्रमों में और जब गेस्ट आते हैं उनके सामने भी करता हूं कि हमारे दादा परदादा अपने ज़माने में 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास पढ़े हुए थे, फिर भी वो व्यापार करते थे, भले वो गल्ला दाल चावल गेहूँ का व्यापार करते हों, परंतु व्यापार करते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे CA, MBA, इंजीनियरिंग कर करके नौकरियां कर रहे हैं, हम लोग जॉब गिवर्स के जगह जॉब सीकर्स होते जा रहे हैं, ये जमशेदपुर के लिए विशेष करके बड़ी चुनौती है, और चैम्बर इस दिशा में भी प्रयत्न से लेके आने वाले समय में हम लोग स्टार्टअप्स का कार्यक्रम करें और युवाओं के लिए करें और युवाओं को आकर्षित करें कि भाई आप MBA करो, CA करो, पढ़ करके आओ, एक साल 2 साल जॉब एक्सपीरियंस स्टार्टअप करो, लेकिन जमशेदपुर में जो आपकी जन्मभूमि है, जो आपकी कर्मभूमि है, वहाँ पर आप आकर के व्यापार उससे, भले आपके पिताजी मान लीजिए एक राशन की दुकान कर रहे हैं, आपके पिताजी एक कपड़े की दुकान कर रहे हैं, आप आकर के यहाँ राशन का एक मॉल खोलिए, आप आकर के यहाँ एक कपड़े का मॉल खोलिए, ठीक है, आपके पिताजी का बिजनेस आपको सूट नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड स्टेटस के आपसे, आप उसको कीजिए, लेकिन जमशेदपुर में व्यापार का, जमशेदपुर का अगर हम लोग सब कोई मिलकर के यहाँ के व्यापारी अपग्रेड नहीं करेंगे और जमशेदपुर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले 20 सालों बाद जमशेदपुर का बाजार का स्वरूप क्या होगा, क्या जमशेदपुर का बाजार या जो भी सामानों की आवश्यकता है वो चंद लोगों के हाथ में रह जाएगा, चंद कंपनियों के हाथ में रह जाएगा, ये हम सबों के लिए सोचने के लिए बात है, और चैम्बर इस दिशा में गंभीर और इस में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, और बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, और हम लोगों का प्रयास हमें उम्मीद है कि बहुत हद तक कामयाब होगा। जो सबसे रेहड़ी पटरी पर दुकानदारी करने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने अपने प्लेस में उन्हें 3 दिन के लिए लगाने के लिए फ्री उपलब्ध कराया, लेकिन ये तो बहुत सीमित हुआ जहाँ 20 लाख 25 लाख की आबादी है, तो क्या करना होगा उसमें, इसलिए कि कस्टमर और सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए हर नागरिक की। देखिए, हम लोगों ने अपील की है चलो चलें बाजार, इसका अभिप्राय ये भी यही है कि हम बाज़ार जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, और मान लीजिए कि दीपावली में दिया खरीदें, दिया के लिए फिर तेल खरीदें, फिर रुई की बत्ती खरीदें, अगर हम 3 अलग अलग लोगों से खरीदते हैं, तेल अलग लोग से खरीदेंगे, बत्ती अलग लोग से और दिया अलग से, तो 3 परिवार को हम एक उनको भी उनके उनका घर में भी दीपावली बनाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं।
तो और मुझे लगता है कि व्यापारी समाज जो स्थानीय व्यापार कर रहा है वो लोग स्थानीय खरीदारी को प्रमुखता देते हैं। हाँ, आवश्यकता इस बात की कि जनता जनार्दन जुड़ने की जरूरत है, जनता जनार्दन को इसमें जुड़ने की और जोड़ने की आवश्यकता है, जो कि हम लोग विभिन्न अपीलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको अवेक करते हैं, उनको अपील करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पोस्टर में लिखा था कि ऑनलाइन खरीदारी से परहेज करें, चलो चलें बाजार, स्थानीय दुकानदारों का लाभ हम लोगों ने उसमें मेंशन किया था अपने पोस्टर में, जिस पोस्टर का अनावरण भी चैम्बर में दुर्गा पूजा के पहले किया गया था, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित सीमित व्यापारियों को बुलाया गया था जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल जो कि डायरेक्टली ऑनलाइन से इफेक्टेड होते हैं, उन लोगों के उपस्थिति में पोस्टर का अनावरण किया गया था। और ये अभियान लगातार जारी रहेगा और हम लोग ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि लोग टर्नअप हों और बाजार के प्रति जो लोगों को जाने की प्रवृत्ति कम हो, वो प्रवृत्ति को हम लोग दोबारा उस फोर्स में लाएं जो 10 साल 15 साल पहले, या हम लोग के बाल्यकाल में हम लोग बाजार एक सपना रहता था कि दुर्गा पूजा में हम लोगों को ये सामान मिलेगा अपने पेरेंट्स की तरफ से, दीपावली में हम लोगों को फटाका लाना, दीपावली में वो घर तैयार किया जाता था, जन्माष्टमी में चोकड़ को रंगा जाता था, वो बालकाल की सुनहरी यादें जो हम लोगों के मानस पटल पर अंकित है, उस वक्त पर्व त्यौहार का एक अलग आनंद हुआ करता था जो प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है। और आज का आनंद का परिभाषा दूसरा हो गया है, भारतीय संस्कृति के विपरीत हम लोग आनंद को खोजने लगे हैं, जबकि भारतीय संस्कृति का रूप ही इस रूप में रेखांकित हम लोगों के पूर्वजों ने किया है कि हम लोग उस संस्कृति का अनुसरण करें तो उसमें जो आनंद है उसका अनुपालन विश्व के अनेक देश कर रहे हैं, पर हम भी लोग अपनी संस्कृति को विलुप्त किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम सबों को जागरूक होना है और स्व सुधार ही समाज सुधार है, और हम लोग खुद जागरूक होंगे तो हमारे बच्चे भी इसको देख करके इंस्पिरेशन होंगे और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, और इस तरह से ये कारवां बढ़ते चलेगा और हम लोग अपने संस्कृति को जीवट रखने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी कड़ी को, इन्हीं बातों से साथ मैं भी आपसे बस यही कह रहा हूँ कि जब आप इस दौर में, जब आप कोरोना मंदी की दुहाई दे रहे हैं, जब बाज़ारों में खालीपन देख रहे हैं, तो जब ऑनलाइन आप जब इस दिवाली में जब कुछ चीज़ें मंगाने जा रहे हैं, तो उससे पहले ज़रा सोचिए कि जो चीज़ मंगा रहे हैं क्या उस लोकल बाज़ार में उपलब्ध हो सकता है। कम से कम कुछ चीज़ें तो आप बाज़ार में निकल कर खरीदिए, और उस खरीदने से आप ये सोचिए कि उन जिनसे आप खरीदेंगे, जिसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप किसी से दिया खरीदते हैं, किसी से मिट्टी का जो है, किसी से रुई, किसी से तेल, किसी से फूल माला, जब ये चीज़ें खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली उन घरों में दिवाली मनाने का एक मौका देते हैं। तो ऑनलाइन मंगाने से पहले इन बातों को थोड़ा गौर से सोचिए कि आप किस तरीके से इस मंदी से उदबरने में आप अपने मार्केट में, अपने आसपास में आप जन भागीदारी निभा सकते हैं। केवल भागीदारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स या व्यापारी संस्थानों का नहीं बल्कि हमारा भी है, और उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फ़ायदा हर किसी को मिलता है। तो इसी अपील के साथ, इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ कर जाते हैं सोचने के लिए कि कम से कम दिवाली और होली जैसे मौके पर बाज़ारों से निकलिए, ऑनलाइन भी मंगाइए, लेकिन लोकल का भी ध्यान रखिए। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।